हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज हमसे मिलने के लिए आए हैं, काफ़ी दूर से हैं, पीलीभीत की तरफ से मिलने के लिए आए हैं। अब नाम परिचय अभी तो मुझे मालूम भी नहीं है। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपके लेके चलता हूँ उनके पास में, और सबके लिए आपके दिखाता हूँ मैं, और सबसे आप परिचय भी कराऊँगा। और आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं और काफ़ी दूर से आए मिलने के लिए। हम इन्हीं से पूछेंगे कि इनका क्या नाम है और कहाँ से आए ये लोग। और उससे पहले दोस्तों, आइए कराते हैं नाश्ता, उसके बाद करेंगे बातचीत। पूनम लाओ फिर नाश्ता लगाओ। क्या जी लो, दोस्तों आ जाइए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं है हमारे पास, वे चाय बिस्कुट है अभी, और उसी से नाश्ता करा रहे हैं हम। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि ये लोग आए हैं, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि कल परसों मीनाक्षी जी आई थी, महेंद्र मीनाक्षी आए थे, और आज ये लोग आए हैं, क्योंकि वो तो कल शाम ही गए हैं घर से, और आज ये आए तो आज तो हमें डबल खुशी होगी, क्योंकि ये लोग काफ़ी समय से हमें कॉन्टैक्ट कर रहे थे, तो आज बेचारों से आके मिल पा रहा है, क्योंकि घर पे भी बहुत काम रहता है। इस वजह से दोस्तों आज ये लोग आए। ये महेंद्र मीनाक्षी, ये यहाँ रसूलपुर है, इधर तकरीब 10-12 किलोमीटर है, तो इनके पास के ही है। सो फ्रेंड्स, अभी नाश्ता वास्ता वगैरह हम कर चुके हैं, और दोस्तों अब इनसे पूछते हैं, आपका परिचय कराते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। तो बताइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया भारती। शीतल। चलो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए, भाई आप लोग हमें, भाई आप कैसे कैसे आपको हमारा एड्रेस मिला, कैसे कैसे आपको हमारा पर यहाँ तक आप लोग आए? आपकी शॉर्ट वीडियो और ब्लॉग दोनों देखते थे। अच्छा। ब्लॉग के दौरान आपका मतलब एड्रेस वगैरह पता चला, और मेरे पापा आपकी ज्यादा वीडियो देखते थे वो। अच्छा, आपके पापा। तो दोस्तों, मैं इनके पापा लिए, सबसे पहले तो इनके पापा के लिए नमस्ते कहूँगा। अगर अंकल जी आप अगर हमारी वीडियो देखते हो तो नमस्ते, और कैसे हैं कमेंट करके बताइए अंकल जी कि आप लोग कैसे हो और आप कैसे हैं, वो भी बताना। अच्छा, छोटा फोन है, चलो कोई नहीं अंकल जी, लेकिन आप लोग देखते तो हो ना हमारी वीडियो, यही बहुत है। आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, देख रहे हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें और हमारी ये बहनें मिलने के लिए आई, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। और ये बता रही थी कि इनके कोई चैनल में प्रॉब्लम आ गई है, वो भी अभी देखेंगे हम। और कुछ बताइए अपने बारे में। मुझे तो 2 साल हो गया है मेहनत करते करते। 2 साल हो गए आपको? हाँ, पता नहीं क्या हुआ, ना ज्यादा लाइक आते रहे। ऐसे अपने आपस में बात करते हैं इस प्रकार से? ऐसे मोनेटाइज भी कैसे हो कि नहीं हुआ है। अरे इनको यार सपोर्ट कर दीजिए, ये बेचारी इतनी मेहनत से, दोनों ये कहाँ तो बहने हैं, मेरी फुफेरी बहने हैं, ये बुआ भतीजी हो, ये दोस्तों ये बुआ भतीजी हैं दोनों, सॉरी। और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं अभी। सो फ्रेंड्स, इनको भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि जब ये आप हमसे मिलने के लिए आए हैं तो क्यों, क्योंकि जिससे कि आपकी सपोर्ट मिल सके। तो सबसे पहले तो दोस्तों इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इनके जो चैनल का लिंक है वो मैं दोनों को चैनल का लिंक किसी ब्लॉग में डाल दूंगा, और दोस्तों इन्हें सपोर्ट करें। और बाकी मैं इनके चैनल को भी देख लूँगा अभी क्या प्रॉब्लम आई है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये बोल रहे हैं थोड़ी इसके जा रही है, शॉर्ट वीडियो बनाती है ना, ब्लॉग व्लॉग वगैरह ये बनाए नहीं है अभी ज़्यादा, वो तो बना लेती है, क्योंकि मैंने देखा है वीडियो में इनकी, चूल्हा फूंकते हुए। हाँ, एक वीडियो है दोस्तों चूल्हा फूंकते हुए। हाँ, तो ये भी शर्मा रही है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो कैसी बनाती है, इस वजह से ये तो थोड़ा शर्मा रही है। चैनल सुबह आपने कैसे करी थी? अरे यही तो मत पूछिए आप, कैसे विचार की बात मत पूछो, मैं
बाहर बैठा था उधर गांव के उधर अड्डे से इधर आई हुई, तो वहां पे बैठा हुआ था। तो हमारे गांव के लड़के कुछ वीडियो बना देते पहले, तो उन्होंने क्या किया, मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था, वो वीडियो में डालता था यूट्यूब पे, तो मैं तो उस समय बनाता नहीं था। तो उन्होंने छोटा सा इंटरव्यू लिया था मेरा कि भैया मेरे बारे में पूछा सब कुछ, तो मैंने उसे सारा इंटरव्यू उसके बताया। बताने के बाद वो तो अपने घर चला गया। उसके बाद उसके चैनल मैंने सब्सक्राइब वगैरह कर लिया था, और जब मैंने उसने चैनल पे जब वीडियो डाली मेरी, तो वीडियो वो चली ठीक ठाक, उसकी वीडियो अच्छी रिस्पॉन्स उसे अच्छा मिला। ब्लॉग की वीडियो थी फिर भी रिस्पॉन्स हुआ बहुत बढ़िया मिल रहा था। तो उसने मुझे आगे दिखाया दूसरे तीसरे दिन को, बोला देव भैया भैया आपकी वीडियो यार बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर जब इसके चैनल पर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, और अगर मैं खुद का चैनल बना लूँ तब कैसा रहे। मैं सिर्फ मेरी एक इनकी मेरी बहन है, वो कई सालों से वीडियो बनाती है अपनी, जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले से वीडियो बनाती है। उन्होंने उससे कहा था उस समय कि आप वीडियो बनाइए, लेकिन उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी वीडियो बनाने में। तो मैंने उससे कह दिया कहाँ क्या करें, तो मैंने तो मना कर दिया। अब इधर जब इन्होंने मेरा वीडियो बना के डाला, हाँ जब उसने वीडियो बना के डाली मेरी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो फिर मैंने सोचा अपना चैनल बनाओ। फिर मैंने अपना चैनल बनाया, लेकिन गांव बस्ती का जो होता है ना, कि गांव के अंदर तो आप जानती हो कि अगर एकदम किसी के लिए अगर लड़की कोई बनाने लगे जैसे आप बना रही हो, आपको भी देखता होगा अपने गांव में कि पता नहीं कैसे कैसे बोलते होंगे लोग, बहुत सुनते हैं, बहुत ज्यादा सुनते हैं। ऐसे ही मैंने सोचा कि इन्हें तो टोकलाना बेकार है, मैं खुद ही देखता हूँ। फिर मैंने अपनी खुद की वीडियो डाली बना बना के, कुछ मैंने ट्वीट भी करी थी शुरू शुरू में दूसरे के साथ, और बाकी यूट्यूब से गाना मतलब आवाज देता था, दूसरे की आवाज भरी अपनी आवाज भरी उसके साथ में, जो जो लेडीज की आवाज थी वो उसी की रहने देता था, और जो जेंट्स की आवाज थी उसमें मेरी खुद की बनता था मैं। हाँ वो मैं मतलब उसकी पूरी आवाज उसकी नहीं रखता था, वरना कॉपीराइट आता तो दिक्कत हो जाती, तो मैं अपनी आवाज भर के और दोनों को मिला के और म्यूजिक लगा के तब डालता। तो डालते हुए रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिल रहा था मुझे, और मेरा करीब 3-3.5 महीने चैनल मोनोटाइज हो गया। उसके बाद में फिर भी मैं अपनी डालता रहा, कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैंने लाओ चक्कर इनको भी देख ले रहे, और जब मैंने सोचा अब तो भाई जब चैनल मोनोटाइज है अर्निंग हो रही है तो क्या बढ़ाइए भाई, लोग कुछ समय के लिए तो बोला ना, जब अर्निंग हो गई है पैसा आने लगेगा तो खुद ही लोग खुद ही बोलना बंद कर देंगे कि ऐसा है वैसा है, वरना लोग तो बहुत गालियां देते थे, बहुत पता नहीं इतना हंसते थे। जब मैं वीडियो बनाता था ना इसके लिए उधर ही बनाता था मैं, रोड साइड ही ज्यादातर मेरी उधर की बनी हुई है, घर तक बनी हुई नहीं है, सब उधर की है बाहर की। तो इतना हंसते थे मुझे देख देख के, कहते थे एक लोगों पागल चालू हो गया, पागल बोलते थे। और मुझे पूरे समय मुझे और कोई धुन नहीं थी, सिर्फ यही धुन थी, और मेरे पास फोन भी बड़ा नहीं था, वो था एक मेरे पास छोटा फोन था 3/32 में रेडमी का 9A, उसका कैमरा भी ज्यादा बढ़िया नहीं था, बेकार कैमरा था बिल्कुल, मैं उससे ही बनाने लगा। तो बनाते बनाते फिर उसके बाद मैंने इसपे जब इनके लिए लेके आया, तब मुझे रिस्पॉन्स जब चैनल मोनेटाइज हुआ उसके बाद मैंने इन्हें लाया, तो चैनल पे लाया जब चैनल पर जब इनको लेके आया तो मैंने 2 वीडियो जब इनकी डाली तो रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिला। जब ठीक ठाक मिला तो फिर हम दोनों लोगों ने फिर वीडियो बनाने चालू कर दी। तब कुछ लोगों ने तो हमारे रिश्तेदारों ने भी बोला था कि कहाँ दो एक ने बोला था, ज्यादा नहीं बोला था मुझसे, मैं खाली कहती मुझे दो एक रिश्तेदारों ने बोला था, बाकी और रिश्तेदार जो थे सबने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं महेंद्र भैया, भाई वीडियो बनाने में कोई बुराई ना, वीडियो तो बना रहे हो, किसी का चोरी ना कर रहे हो ना कोई गलत काम कर रहे हो। उसके बाद हम दोनों लोग वीडियो बना रहे थे, रिस्पॉन्स हमें मिलता ही चला गया, और इतनी ज्यादा सपोर्ट मिली हमें हमारे दोस्तों से, इतनी ज्यादा सपोर्ट मिली कि हम कुछ बता नहीं सकते। हमारे भी हमें इन्हें वीडियो बनाए हुए करीब 5 महीने हुए हैं, 5-5.5 महीने से हम आपस साथ में वीडियो बना रहे हैं, तो लोगों ने हमें इतना ज्यादा सपोर्ट दिया है, इतना ज्यादा प्यार दिया है कि अगर उनके हम कमेंट पढ़ते हैं तो बाई टाइम जब अकेले कमेंट पढ़ता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट लोग करते हैं यार भैया
ऐसे कमेंट मत किया करो यार, इससे आंसू आ जाए हमारी आंखों में, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा वैसे कमेंट कर देते हो कि दिल रो जाता है आपके कमेंट पढ़ते हुए। और दोस्तों जितनी आपने हमें सपोर्ट दी है हमें तो बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक साल हुआ है, एक साल में मेरे पास गोल्डन बटन तक आप लोगों ने मुझे फैश पहुंचा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों देखिए अभी ये लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और दोस्तों इनकी सपोर्ट करना, क्योंकि ये बेचारे बहुत समय से वीडियो बना रहे हैं, एक साल हो गई, और दोस्तों आप सबकी सपोर्ट की इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ज़रूरत है, और तो दोस्तों इनकी करें सपोर्ट। और आप लोग कुछ बोलोगे, कुछ बोलो फ्रेंड्स के लिए, और फिर मैं तो सोच मैं तो हम लोग सपोर्ट करते रहे ना, बस यही आपसे मिलती है। ठीक, मैं तो कह रहा था रुक लो आज, नहीं अब जाने दो, आप लोग आना हमारे घर पे, चलो आएंगे हम भी आएंगे, आओ भाई 20 तारीख में आ जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इन्हें करते हैं फिर, जब नहीं रुक रहे हैं तो अभी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड दोस्तों। और दोस्तों हमारा ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताएं। ठीक है फ्रेंड्स।